नमस्कार, मैं तनु राणा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़। कहा जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा से मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन करो तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसके विपरीत एक महिला को मंदिर के अंदर जाना महंगा पड़ गया। क्योंकि मत हम बात कर रहे हैं सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाली पहली महिला कनक दुर्गा की। सबरीमाला मंदिर विवाद के मुख्य पहलू कनक दुर्गा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबरीमाला मंदिर केरल के पतनमथिट्टा जिले में अयप्पा भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर 1500 साल पहले की पुरानी परंपरा के अनुसार मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। 2006 में जब केरल की यंग लॉयज एसोसिएशन ने इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की तो हिंदू संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया। 10 साल से चले आ रहे इस मामले में जब 28 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मंदिर से प्रतिबंध हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरला में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। प्रतिबंध हटने के बावजूद जब मंदिर में दो महिलाओं कनक दुर्गा और बिंदु आमनी ने 2 जनवरी 2019 को प्रवेश किया, प्रवेश करते समय बना यह वीडियो वायरल होने पर केरला में जगह जगह पर महिलाओं का विरोध हुआ और हिंसात्मक घटनाएं घटी, जिसमें पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था। मंदिर में प्रवेश करने वाली महिला कनक दुर्गा ने घर जाने पर उसकी सास के द्वारा मारपीट करने का मामला भी दर्ज करवाया था और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी। मारपीट के बाद अब मंगलवार को कनक दुर्गा ने ससुराल वालों के खिलाफ घर से निकालने का मामला दर्ज करवाया है। मंगलवार को जब पुलिस कनक दुर्गा को लेकर उसके ससुराल पहुंची तो घर के दरवाजे पर ताला लटका हुआ मिला। उसका पति और सास बच्चों को लेकर कहां चले गए थे। कनक दुर्गा को फिलहाल अभी पुलिस प्रोटेक्शन में आश्रय गृह में रखा गया है। वहीं मंदिर में एक साथ प्रवेश करने वाली दूसरी महिला बिंदु आमनी को हिंदू संगठनों में बढ़ते रोष को देखते हुए कोची के एक गुमनाम स्थान पर रखा गया है।